चार लाख की लागत से बने श्री गायत्री गो धाम धीरता फतेहपुर के देवकी भवन का उद्घाटन राकेश कुमार प्रजापति उपायुक्त कांगड़ा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एसडीएम फतेहपुर बलवान चंद की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें पूर्व सांसद कृपाल परमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर जिला उपायुक्त ने कहा कि गौ सेवा से ज्यादा बड़ा कोई सेवा नहीं है। गौ सेवा के लिए हर व्यक्ति अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। गौ धाम किसी अकेले नहीं बल्कि हर व्यक्ति के सहयोग से चलता है। वहीं पूर्व सांसद कृपाल परमार ने कहा कि गौ सेवा के इस महान कार्य में राजनीति आड़े न आए, यह सेवा राजनीति से दूर रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गौ माता की सेवा के लिए जरूर खर्च करना चाहिए। गौ माता की सेवा करने से बड़ा पुण्य मिलता है। तीर्थों के करीब गौधन को इकट्ठा करना, उनको लोगों की मार से बचाना, सर्दी से बचाना, उनके खाने का इंतजाम करना एक अपने आप में बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। इसके लिए इस कार्य में जुड़े हुए सब लोगों को मैं सादर धन्यवाद करता हूं, उनके सामने नमन करता हूं कि आजकल के जमाने में आप लोग इस पुनीत कार्य में लगे हुए। जब यहां पर वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा जा रहा था तो सुरेंद्र जी बार बार कह रहे थे कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें एसडीएम साहब जैसे अधिकारी मिले, बीसी साहब जैसे अधिकारी मिले। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि हमारे कहावत है कि बोलते भी नीता करने मुरादा होंगी। जब आपकी नीयत अच्छी है और साफ है तो आपको सरकार से और समाज से जो है वो कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं आती, क्योंकि दान देने वालों की कमी नहीं है, दान लेने वालों की कमी है। जब दान लेने वाला अपनी ईमानदारी को साबित कर देता है कि जहां के लिए पैसा आ रहा वहां लग रहा है, तो फिर उसका कोई काम नहीं रुकता, उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं आती। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जिस नियत के साथ काम कर रहे हैं आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। और ये गौशाला जो है वो हिमाचल नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल बन के उभरेगी, आपको ऐसा देखकर मुझे लग रहा है। तभी हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं जहां पर हमारे पशुधन की जो सेवा है प्रॉपर ढंग से हो सके, और तभी ये संभव हो पाएगा। यहां पर गौधाम के सदस्यों ने कुछ डिमांड्स भी हमारे समक्ष रखी हैं। तो पहले तो मैं दो चार दिन पहले भी आप लोगों को सेंक्शन किया था, बट यहां पे जो भी आप लोगों ने दिया है इस पे गौर किया जाएगा। फोल्डर वाला भी दे देंगे और ये वाला भी दे देंगे, ठीक है। तो जो भी जरूरत होगी वो पूरी की जाएगी, क्योंकि आप लोग बहुत ढंग से काम कर रहे हैं। मैं खुद भी संतुष्ट हूँ इस बात से, और आने वाले वक्त में अगर आपका एक्सपेंशन का प्लान है उस प्लान में पूरा सहयोग मिला रहेगा। और 300 के आने वाले वक्त में और जगह में और जानवरों को आप अपने यहाँ पे घर दे सकते हैं, स्थान दे सकते हैं। तो आप अपना प्रयास जारी रखें, हमारी तरफ से प्रयास जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। या गोबर का उत्पादन है या मूत्र का उत्पादन है, जिसको किसी भी कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो इकट्ठा होता है इससे जो धनराशि इकट्ठी होती है, अगर इससे कोई गौ सदन चल पड़े तो एकदम आइडियल कंडीशन है, बेस्ट कंडीशन है, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर ये कंडीशन हमको नहीं मिल पाता है और उस तरह की स्थिति में हम नहीं जा पाते हैं, तो अगली स्थिति ऐसी है कि जहाँ पर लोग खुद आगे बढ़कर आए और अपना योगदान दें उसको चलाने में। तो मैं अभी देख रहा था जब आप पूरा लेखा जोखा यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे तो काफ़ी पैसा आपको डोनेशन में उस हिसाब से मिल रहा है। अगर ये दोनों स्थितियाँ ठीक हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि गौशालाएँ चल पड़ती हैं। और फिर बाहर से जैसे आप बोल रहे हैं कि एसडीएम साहब की जरूरत है या डीसी महोदय की जरूरत है, वो जो निर्भरता है वो कम हो जाती है और उसको करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार उस स्तर पर इन गौशालाओं को हैंड होल्डिंग नहीं दे सकती जिस स्तर पर लोग बना रहे हैं और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो उस कड़ी में जो आप लोग कार्य कर रहे हैं काफ़ी सराहनीय है। जैसा कि प्रभात साहब ने भी यहाँ बताया कि आने वाले वक्त में जो आपकी प्रोडक्शन है, चाहे हम जो पालतू पशु जो हमारे घरों में हैं या फिर गौशालाओं में हैं, अगर देशी हमारी गायें होंगी अगर उनका प्रमोशन बढ़ता है तो हम उस स्थिति में जाएंगे जहां पर उन गौशालाओं को चलाना। एंस्टा न्यूज के लिए फतेहपुर से रविंद्र चौधरी की रिपोर्ट।